खुशी स्टूडियो के माध्यम से होगा तो ज्ञान मैया बड़े आरे पेट में आने एक ने होगा तो ज्ञान जे लड़का भरे समझ में आई हो धोन ए शाम दी आए रसगुल्ला ले आए आहा ए शाम दी आए रसगुल्ला ले आए शाम मन से जैसे ही बालक पेट में आए तो पेट में ज्ञान मुश्किल से कोखा हो काए बड़े ज्ञान तो वाए हो जब जन्म हो जाए लेकिन बे लायका तो ऐसे थे कि उन्हें पेट ही में सब कुछ ज्ञान हो गया तो ये पेट ही में ज्ञान जन होगा तो ज्ञान जे दस महीना बड़े मुश्किल हो जाए तो लेकिन तो 12 साल रह यार ये पेट में रहे थे 12 साल पेट में रहे थे 12 साल प्यास देव के सुख देव लाल प्यास देव के सुख देव लाल सुखदेव जी महाराज ने और हमारे आदरणीय परम सम्मान पूजा यादव जी अच्छा उषा यादव जी कौन गांव जयपुरा क्या बात उषा यादव जी की तरफ से 101 रुपया है बहुत बहुत धन्यवाद है आप जहां रहो भगवान की दया दृष्टि से खुशहाल रहो ए प्यास दे सुख देव लाल प्यास देव के सुख देव लाल गुड़ियन खेड़ा रमेश यादव जी सब्दी साहब क्या बात है सब्दी रसगुल्ला ले आए कि नहीं ले आए खा भी आए हुए और हमारे भैया सुरेश यादव जी ओबरी वाले इनके द्वारा भी है 51 रुपया है बहुत बहुत धन्यवाद है विद्या सीखी वो बन गए महान जे लड़का बड़े गुणवान दूसरी बात पेट में भक्ति करी पहलाद पेट में भक्ति करी पहलाद पहलाद भगत ने ऐसो नहीं कि बाहर भक्ति कही हो पेट में भी भक्ति कही इतना ज्ञान होगा उन्हें और हमारे भैया आदरणीय परम सम्मानीय पूजनीय ज्ञान यादव जी बनेगा जयपुरा इनके द्वारा भी ज्ञान हो भैया है बहुत बहुत धन्यवाद है में भक्ति करी पहलाद पेट में भक्ति करी पहलाद भैया हुई है तुम्हें खायाद भैया हुई है तुम्हें खाया भैया हुई है तुम्हें खाया भैया हुई है तुम्हें
अरे जिन खाजा न सकल जहान ए राम दई जिन खाजा न सकल जहान तीसरी बात अरे अष्टावक की सुनो कहानी अष्टावक की सुनो कहानी अष्टावक की सुनो कहानी अष्टावक की सुनो कहानी में उनकी महानता में इस लोक कैद बखान उनके पिताश्री बाहर इस लोक संस्कृत में पढ़ रहे हैं और लेकिन जब गलत हो गया वो इस लोक तो बालक ने मई पेट में बता दा बोले पिताजी इतने तुम गलती हो गए इस लोक कैदा बखान ये लड़का बड़े गुणवान रे के दर में आन जन हो गाओ प्यार ये लड़का बड़े गुणवान रे के दर में आन जन हो गाओ प्यार ये लड़का बड़े गुणवान रे के दर में आन जन हो गाओ प्यार ये लड़का बड़े गुणवान रे चौथी बात भैया बड़े ए अभिमन्यु पारथ को मारो अभिमन्यु पारथ को मारो अभिमन्यु पारथ को मारो अभिमन्यु पारथ को मारो ए राम दई सुन ना पाओ सात मोद मारो सुन नहीं पाओ सात मोद मारो चक्रव्यूह की रचना जब सुनाई गई उनकी माता श्री सो गई एक द्वारे की रचना उन्हें नहीं सुन पाई बड़ेदा ए सुन ना पाओ सात मो द्वारो सुन नहीं पाओ सात मो द्वारो भाभी ममता यादव जी इनके कर कपड़ों द्वारा इन ज्ञान उपजे हैं ममता यादव जी के लाने बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद ए राम दई पे कई में आन दिन हो गाओ ज्ञान